हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा मिश्रा। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टॉप 20 मोस्ट रीसेंट कैबिन क्रू इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड गाइज, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ये क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ही एयरलाइन में ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एंड द मोस्ट यू नो रीसेंट क्वेश्चंस है जो मैंने अपने इस वीडियो में मैंने पिक किया है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडिगो एयरलाइंस में अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एंड कुछ लोग दे के आ चुके हैं एंड कुछ लोग एयर इंडिया में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उन लोगों से पूछा है मैंने, एंड वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस पूरे लिस्ट में ऐड किया है आपको बताने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठ जाओ, या फिर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, प्लीज़ आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो प्लीज़ नोट डाउन करते हुए रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रीसेंट के क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में आपको दे देती हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। मेरा नाम स्वर्णा है और मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं कैबिन क्रू हूँ इंडिगो एयरलाइंस में, एंड मुझे 6 महीने हो चुके हैं जॉब करते हुए। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरी जॉब एक्सपीरियंस कैसी रही अब तक 6 महीने की, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली कि आप लोग किन चीज़ों में इंटरेस्टेड। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई डू यू लाइक दैट मूवी। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई डू यू लाइक दैट मूवी, ओके। एंड वो आपसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं, दैट हु वॉज योर फेवरेट कैरेक्टर इन दैट मूवी एंड वाई डू यू लाइक दैट कैरेक्टर, यू नो। तो आप लोग अब हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट मूवी होता ही होता है, ठीक है। अगर कुछ ना आए समझ तो जो भी रिसेंट में आपने मूवी देखी है, भले वो आपकी फेवरेट ना भी हो तो भी आप वो बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझसे इंटरव्यू में मुझसे नहीं पूछा गया था, बट मेरे साथ जो लड़की गई थी इंटरव्यू देने के लिए उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ योर फेवरेट मूवी। तो उसने जब वी मेट बताया था, क्योंकि जब वी मेट में जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो बहुत ही यू नो वाइब वाला कैरेक्टर है, बबली एकदम मस्त बिंदास लड़की का कैरेक्टर है, तो वो एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, आप ये कैरेक्टर चूज कर सकते हो, ये मूवी का नाम आप ले सकते हो। तो एक मेरे तरफ से मैंने एक आइडिया दिया है आपको, अब आपकी मर्जी है, आप ये मूवी बोलना चाहो या जो भी मूवी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है आपका योर ओपिनियन अबाउट इक्वालिटी। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इक्वालिटी, क्योंकि आजकल जो है एजुकेशन सिस्टम देखा जाए या फिर किसी भी चीज़ पे या फिर वो जॉब के वे में देखा जाए, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल के बीच में। तो आजकल सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना मेल को अपॉर्चुनिटी मिलता है उतना फीमेल को भी मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, ठीक है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप वो बोल सकते हो, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका हु इज योर रोल मॉडल एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। मतलब कि इस क्वेश्चन में एचआर आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि अगर आपसे नॉर्मली मैं पूछूं कि हु इज योर रोल मॉडल, तो आप सिंपली अपने फादर या मदर के बारे बोल दोगे, है ना। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि आपको अपने पेरेंट्स के को छोड़ करके किसी और के बारे बोलना है, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एचआर जो है, इंटरव्यूअर जो है, वो आपकी क्रिएटिव माइंड को देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी चीज़ें सोच पाते हो और आंसर बना पाते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि हु इज़ योर रोल मॉडल एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाई इंडिगो एयरलाइंस। तो ये क्वेश्चन तो एकदम से फेवरेट क्वेश्चन है उन लोगों का, तो वो तो ये आपसे पूछेंगे कि व्हाई इंडिगो एयरलाइंस, लाइक और भी एयरलाइंस है बट आपने इंडिगो को चूज किया, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन, यू नो, कि आपने इंडिगो के बारे में ही सोचा है, तो कुछ तो रीजन होगा, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर एयरलाइंस स्पेसिफिकली। सिमिलरली एकदम इंडिगो एयरलाइंस से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर एयरलाइंस, आप हमारे एयरलाइंस में ही क्यों काम करना चाहते हो, और भी अदर एयरलाइंस है लेकिन आप हमारे में ही क्यों आना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो पहले आप कि अगर आप इंडिगो में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंडिगो में क्यों। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बोल सकते हो कि मैंने इंडिगो के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, इस वजह से मैं इंडिगो में काम करना चाहती हूँ,
मुझे इंडिगो का यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, जो इंडिगो के बारे में आपने सुना होगा कि इंडिगो हमेशा ऑन टाइम परफॉर्मेंस देती है, यानी कि टेक ऑफ लैंडिंग जो भी होती है, कोई भी आप डेस्टिनेशन जाना चाहते हो वहाँ पे एकदम ऑन टाइम पे वो पहुँचाती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इंडिगो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, इंडिगो की यूनिफॉर्म मुझे अच्छी लगती है। एंड दूसरी चीज़ आप ये भी बोल सकते हो कि इंडिगो एयरलाइंस में हमेशा जो टिकट होती है, फेयर चार्जेस होते हैं वो लो होते हैं, तो ज़्यादा महंगी टिकट नहीं होती है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल एयरलाइंस है जो कि पैसेंजर का फर्स्ट चॉइस होता है। यू नो, इस तरीके से आप अपने आंसर्स को इलैबोरेट कर सकते हो। ओके ओके, सिक्स क्वेश्चन है, टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं टॉक अबाउट योर सिबलिंग्स, ठीक है, अपने पेरेंट्स या फिर अपने सिबलिंग्स के बारे में बात करो। ओके, सेवन क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस और प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एयरलाइन का इंटरव्यू दे रहे हो तो ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली इसमें एचआर जो होते हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखो, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्ट्रेस या प्रेशर होता है, तो वो जानना चाहते हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो या फिर आप एकदम काम डाउन होके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको बोलनी है कि आप बहुत काम डाउन पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करते हो, और स्ट्रेस जब भी आपको होता है तो आप बहुत ही काम रहते हो, सिचुएशन को बहुत ही सोच समझ कर हैंडल करते हो, इस तरीके से आप अपने आंसर को इलैबोरेट करके बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, शेयर योर कॉलेज एक्सपीरियंस, ठीक है, आप अपना कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, ठीक है। तो हम सभी कभी ना कभी कॉलेज जरूर गए हैं, चाहे हम 10th में गए हों, 12th में गए हों, या फिर अपनी ग्रेजुएशन में गए हों, ठीक है, कॉलेज सब गए होंगे, तो आपकी जो एक्सपीरियंस होगी कॉलेज की वो आपको बताना है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ओके, सो दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट व्हाई आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, शायद मैंने ये वीडियो अपने चैनल पर डाली है, एक बार आप जरूर से चेक कर लेना, और अगर मैंने डाली होगी तो मैं पक्का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, कि मैंने कैसे आंसर किया था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ओपिनियन अबाउट टीम वर्क, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, योर ओपिनियन अबाउट टीम वर्क, टीम वर्क को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप टीम में काम करना पसंद करते हो, या फिर आप सोलो पर्सन हो, आप अकेले काम करना पसंद करते हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है, आपको इसके बारे में बात करना है। हमेशा एक चीज से याद रखना कि आपको अपने स्ट्रेंथ अगर आप 4-5 बता रहे हो, वीकनेस आपको सिर्फ एक ही बतानी है, वो भी वीकनेस आपको ऐसी चूज करनी है जिसमें कि आपका स्ट्रेंथ ही झलकता हो, समझ रहे हो। जैसे कि एक वीकनेस आप ये बोल सकते हो, जो कि मैंने पर्सनली अपने इंटरव्यू में बोला था, दैट माय वीकनेस इज आई कैन नॉट से नो इफ समवन आस्क हेल्प फ्रॉम मी, ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं, दिस इज माय वीकनेस, बिकॉज यू नो समटाइम्स क्या होता है ना, कभी कभी आपको ना बोलना जरूरी होता है, तो आप अपने वीकनेस में ऐसा दिखा सकते हो कि आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल इंसान हो, और आपके लिए कभी कभी ये चीजें जो होती हैं आप ना नहीं बोल पाते हो, तो इसकी वजह से कभी कभी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, क्योंकि आप सबका हेल्प करने को हमेशा रेडी रहते हो, यू नो, तो इस तरीके से आप एक अपना वीकनेस बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ये तो इंडिगो एयरलाइंस में 100,000% ये आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि देखो इंडिगो जो है ना, इंडिगो में मेल कैबिन क्रू नहीं होते हैं, इंडिगो में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू होती है, तो जो इंडिगो एयरलाइंस है ना वो बहुत ही वुमेन ओरिएंटेड एयरलाइंस है, मतलब वो वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, वुमेन्स के लिए ही बेसिकली, मतलब वो वुमेन को ही बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं, तो उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, व्हाई स्माइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू जॉब, तो स्माइल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कैबिन क्रू जॉब के लिए, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप एयरलाइन के फेस हो, यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन, ठीक है, तो आप अगर एयरलाइन के फेस हो तो आपका स्माइल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लव और मनी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपकी चॉइस है क्या आप बोलना चाहते हो।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू हैव नॉट मेंशनड इन योर रेज्यूमे. ओके, आप अपने रेज्यूमे में जो चीज आपने मेंशन नहीं की है वो हमें बताओ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है और वो आपसे पूछ सकते हैं. जैसे कि रेज्यूमे में क्या होता है ना गाइज, हम सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं. जैसे कि अगर आपने स्कूल में कभी आपका कोई बहुत ही मेमोरेबल चीज हुआ होगा, आपने कभी किसी डांस में या किसी चीज में पार्टिसिपेट किया होगा जो आप शेयर करना चाहते हो, तो ये आप बता सकते हो. ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो बट आपने अपने रेज्यूमे में वो मेंशन नहीं किया है, तो आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे बात कर सकते हो. मतलब बेसिकली आपको वो बोलना है जो आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन नहीं किया हो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, वॉट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन वो आपके दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूज एंड यू नो थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है कि वॉट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. ठीक है, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने जो आंसर दिया था मैं आपको बताती हूँ. मैंने उनको बोला था कि सी दिस इज माई फर्स्ट जॉब, मैं इंडिगो में जो जॉब करी है ये मेरा पहला जॉब है. ठीक है, तो मैंने उनको बोला था कि सर दिस इज माई फर्स्ट जॉब एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया लाइक व्हाट्स द सैलरी ऑफ इंडिगो इंडिगो इज प्रोवाइडिंग टू देयर क्रू, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वट एवर विल बी गिवन टू मी आई विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट जॉब, सो आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग वट एवर विल कम इन माई वे और वट एवर विल कम टू मी आई विल एक्सेप्ट इट इन वेरी पॉजिटिव वे. इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे सैलरी कितनी भी मिले, बिकॉज सैलरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस जॉब इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. आई एम हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू अर्न गुड मनी एज वेल एंड आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड. सो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी इंडिपेंडेंट first of all, to be independent, and whatever salary I will get, I will be proud of it because I believe this company and I have a expectation that whatever will come, whatever salary will I will get, I will be happy with that. इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो. मैंने तो कुछ भी बोला है, मुझे exactly याद भी नहीं है मैंने क्या बोला है, बट हाँ मुझे इतना याद है कि मैंने इस तरीके से ही कुछ तो बोला है. ठीक है, मुझे exactly याद नहीं है बट मैंने ऐसे ही कुछ बोला था. ठीक है, okay. सो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, योर स्कूल मेमोरीज, आपका स्कूल मेमोरी क्या है, तो ये आपको बताना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, योर चाइल्डहुड मेमोरीज. ठीक है, तो हर किसी का कोई ना कोई बचपन का चाइल्डहुड मेमोरीज होता ही होता है, तो आप ये बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ विल यू हैंडल एग्रेसिव एंड रूड पैसेंजर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट, की हाउ विल यू हैंडल एग्रेसिव एंड रूड पैसेंजर्स. ठीक है, क्योंकि आप जब ऑनबोर्ड जाते हो तो आप एकदम रियल पैसेंजर को फेस करते हो, तो उसमें से कुछ पैसेंजर ऐसे भी आते हैं जो यू नो रूड होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो चिल्लाते हैं या फिर किसी बदतमीजी से बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, यही आपको बताना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ओके, व्हाई शुड वी हायर यू. सो यू नो दिस क्वेश्चन इज लाइक कि आपको इस क्वेश्चन में अपनी पूरी जान डालनी है कि वो आपको हायर क्यों करें. तो इसमें आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे बताना है कि मुझ में वो स्किल्स है, मुझ में वो क्वालिटीज है कि आप मुझे हायर करो, समझ रहे हो. तो आप इसमें बोल सकते हो कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ठीक है, आप बोल सकते हो कि आप बहुत मेहनती हो. आई एम अ पीपल पर्सन, आई लव कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू नो, एंड दिस इज अ जॉब, दिस इज कैबिन क्रू इज सच अ जॉब इन विच आई हैव टू कम्युनिकेट विद यू नो मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल एवरी डे, आई हैव टू फेस मल्टीपल टाइप ऑफ पैसेंजर्स. सो for this job communication is much more important, so I love communicating and this will definitely help me in this job. इस तरीके से आप बहुत ज्यादा चीज elaborate करके बोल सकते हो. मैं बस आपको थोड़ा मोड़ा hint दे रही हूँ, proper चीजें नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि देखो हर किसी का अपना अलग point of view होता है answer देने का, हर किसी का अपना नजरिया होता है, तो अपने तरीके से answer देना बहुत ज्यादा important होता है, ना कि आप दूसरे के point of view से उस answer को दो. तो I hope ये 20 question आपको जरूर help करेंगे. And guys, if you like my video, please do like, share and subscribe my channel. Please support me. I need your support. And till then, stay safe and stay healthy. Milte hain next video mein. Bye-bye.